बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल सैरी इन द किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ और वो है चना चाट। चना चाट बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप चने। 2 कप चने मैंने ले लिए। इनको अच्छे तरीके से आप लोग बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे। नेक्स्ट अब हम लेंगे लोबिया। इसको भी हमने अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया था। 1 कप लोबिया ले लें और 1 कप इसमें हम ऐड कर लेंगे। अब 6 to 7 आप आलू ले लें, ठीक है। इनको भी अच्छे तरीके से बॉईल कर लें। बॉईल करने के बाद छोटे छोटे आपने इस तरह कटिंग कर लें। उसके बाद अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 6 to 7 आलू। ये 4 अदद हमने प्याज ले ली और इनको बारीक चॉप कर लिया। नेक्स्ट शिमला मिर्च हमने ले ली 2 अदद, इनको भी बारीक चॉप कर लिया। नेक्स्ट टमाटर ले लें 2 अदद, इनको भी बारीक चॉप कर लें। अब हम इन सब चीजों को ऐड कर लेंगे। ये हम प्याज ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून साल्ट नमक ऐड करेंगे और साथ ही अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मिर्ची ऐड करेंगे। ये हो गया 1 और ये हो गया 2। ये हमारे पास है खुबानी की चटनी और ये है आलू बुखारे की चटनी, ठीक है। ये किसी भी ब्रांड की आप यूज कर सकते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा आपकी चाट में। अब हम आलू बुखारे की चटनी का जो छोटा साशे है वो हम ऐड करने लगे हैं इसमें। अब हम खुबानी की चटनी का साशे ऐड करने लगे। अब हम इसमें इमली का पानी ऐड करेंगे, इससे हमारी चाट जो है बहुत ही टेस्टी बनेगी। अब हम इन सब चीजों की बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। जब अच्छी तरह सारी चीजें हम मिक्स कर लेंगे, नेक्स्ट हम इसमें बूंदी ऐड करेंगे। ये पहले हमने इसलिए ऐड नहीं की क्योंकि फिर ये टूट जाती है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट सी होती है और उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाता है। ये देखिए अब हम इसमें ऐड करने लगे। 2 कप ले लें। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। बंद गोभी भी थोड़ी सी ऐड कर ली। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप बंद गोभी जो है वो कितनी क्वांटिटी में ऐड करना चाहते हैं, या फिर ऊपर स्प्रिंकल कर दें थोड़ी सी। उसके अलावा टमाटर, प्याज, उसके बाद पुदीना, धनिया, वो थोड़ा थोड़ा मैंने ऊपर स्प्रिंकल कर लिया। नेक्स्ट अगर कोई भी पर्सन जो है वो दही के साथ खाना चाहता है तो साथ में दही भी सर्व कर लें। अदरवाइज जो ऐसे ही चाट लेना चाहते हैं उनको ऐसे ही सर्व कर दें। अब देखें हमारी कितनी जबरदस्त माशाल्लाह चाट रेडी हो चुकी है और बहुत बहुत टेस्टी लग रही है और चटपटी लग रही है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि हमारी चाट जो है वो कैसी बनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत बहुत जबरदस्त फ्लेवर है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और शेयर किया करें, और स्पेशली दुआओं में मुझे याद रखा करें। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।